गांव बैसोली में आज इस चुनावी सभा में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के ही नहीं रालोपा के भी प्रचारक यहां पे आएंगे देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही। थैली और कौवा क्या कर देता है वो सामने बैठ करके देख लो, बोतल का कितना असर होगा उसका अंदाजा। बढ़िया भाई, एक झंडी और पकड़ लो, एक झंडी रालोपा की और पकड़ लो, हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा प्रचार आप ही कर दो। एक रालोपा का झंडा पकड़ के हनुमान देवी का जिंदाबाद बोलते जाओ, जहां जहां जाओगे कुत्तर मशीन की तरह वोट करते जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दाबड़िया से यहाँ तक पधारे प्रचार करने के लिए हनुमान बेनीवाल जी का बैसोली में आकर के प्रचार कर रहे हैं, आपको धन्यवाद है, मेरी तरफ से आपको नमन। दूसरे हमारे महानुभाव कांजी साहब, कांजी मायने कितना दिन रिया? 15 साल मायने रिया हो जाऊंगी। भाइयों, बैसोली में दो प्रचारक आए हमारे नेताजी के, एक मिनट शांति रखो, सुनो बात को, बात हो गया, सुनो बात को, सभा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, काम करवाना है काम करवाओ। आप कर रहे हैं सर, आपने यहाँ पे सभा बिगाड़, एक मिनट बैठ जाओ, काम एक मिनट, अब बैठ जाओ शांति भाई। देखो सुनो बात को, सभा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। रही बात गांव के अंदर पार्टी की, तो भाई राज कांग्रेस का है, जिस नहर से जोड़ने की बात कर रहे हो कि आज संकट का पानी जोड़ दो, वो नहर का काम करवाने वाली है ज्योति मिर्जापी, जो आज मंच के ऊपर आपके बीच में खड़ी है। आज राज कांग्रेस पार्टी का है, अरे भाई तो करके सभा की बिगाड़ रहे, शांति रख लो। देखो भाई चुनाव प्रचार है, सब आएंगे अपने अपने वोट मांगने, हम अपने वोट मांगने आए हैं। और रही बात यहां पे जो हम जी ने बोला कि पानी की समस्या है, तो इस पानी का समाधान कहां से आएगा? नहर से आएगा। नहर से जो पाइपलाइन जुड़ेगी वो कौन जुड़वाएगा? वो कांग्रेस की सरकार जुड़वाएगी। कांग्रेस के नुमाइंदे यहां पर कौन है? आज की तारीख में जाकिर साहब यहां पर बैठे हैं, और जब तक अपन लोग ये सब शोर शराबा कर रहे थे, जाकिर साहब ने ऑलरेडी अधिकारियों से बात करके और उनको ये बोला है कि भाई ये लाइन जोड़ दो। सपा बिगाड़ने की नियत से अगर किसी को यहां पर प्रायोजित करके भेजा जाता है, कोई एक गलत उदाहरण दिया जाता है। लोकतंत्र में हरेक आदमी का अधिकार है कि वो जाकर के अपना वोट मांगे। हम आपसे जबरन वोट खोजने नहीं आए हैं, हम गांव में अपनी बात रखने आए हैं, हमारी बात सुनने आप लोग इच्छा से यहाँ पे आए हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। जिस भाई को इच्छा हो वोट दे दे, अगर दूसरे को पसंद करते हो दूसरे को वोट दे देना। मांगने का अधिकार सबको है और अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, यही चीज आपको कहना चाहता हूं। 6 तारीख को वोट पड़ेंगे और बैसोली का जो माहौल है वो मैं इससे अंदाजा नहीं लगाता, मुझे इस ये जितने लोग बैठे हैं इससे अंदाजा लगता है कि गांव की एकता, ये जो मंच पर बैठे हैं, जो ये सफेद छापे वाले बैठे हैं, जो ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो ये नौजवान पीछे बैठ करके आज ये हाल देख रहे हैं, वो फैसला करेंगे कि बैसोली के अंदर भाई भारी संख्या में माताएं बहने भी पधारी, ये फैसला करेंगी कि गुंडागर्दी से हमें हमारी राजनीति को दूर रखना है या नहीं रखना है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे नागौर की, हमारा नागौर मतलब आपका नागौर मेरा नागौर, यहाँ की राजनीति को अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तभी जाकर के आने वाले चुनावों के बारे में ये कहा जा सकेगा कि भाई ढंग के लोग आकर के राजनीति करेंगे। और ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ऊपर उठ चुका है। अब ये चुनाव जिन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है वो मुद्दे आपके बीच में यहाँ पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आज सभाओं के अंदर आए हैं। मैंने कहा था कि जिसको विश्वास नहीं होता
कि ये जो कैंडिडेट हमारे सामने खड़े हैं ये क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा था जाकर के खिमसर में ट्रेलर देख करके आओ। मुझे नहीं लगता कि बैसरोली की जनता को खिमसर तक भी जाने की जरूरत पड़ेगी, ट्रेलर खुद चल करके बैसरोली तक आ गया। और जिन लोगों के मन में भी आशंका है कि जोर जबरदस्ती करके यहाँ पे वोट डाल देंगे और डलवा लेंगे, वो अपने मन से इस धारणा को बिल्कुल दूर कर लें। अलग चुनाव है, ये चुनाव पब्लिक लड़ रही है मेरे बिहार के ऊपर, ना तो कांग्रेस का मुद्दा है ना बीजेपी का मुद्दा है। पिछले चुनाव में जनता की भावना मेरे साथ थी, मामला 19-20 हुआ, इस बार नागौर की जनता इस चीज का हिसाब देगी, क्योंकि मैंने वो काम करवाए जो एक बार का सांसद कभी करवाने की सोच भी नहीं सकता था। आज आप लोगों के बीच में आए, आप सबने जो मान सम्मान करा उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी ने पधार करके इस सभा को सफल बनाया उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं, और आप लोगों से आगे के लिए इजाजत देते हैं। 6 तारीख की बोला हूँ आपको, सौंपते राम राम सर।